नमस्ते सभी को, राम राम। आज हम आए हैं, पेड़ अभियान का तीसरा दिन है और आज हम आए हैं बगिया वाले हनुमान जी, और ये गंज मोहल्ला में है और ये हमारा ग्रुप है कर्म भूमि ग्रुप, जो कि पेड़ अभियान शुरू किए हुए कुछ समय से, और अभी हम कुछ पेड़ यहाँ लगाएंगे। लगभग हमारा जो टारगेट है वो हर मंदिर पे 5 या 10 जितने भी मतलब इच्छा है उतने मंदिर के जो कर्मचारी हैं या जो वहाँ रख रखाव कर रहे हैं उतने पेड़ हम लगाने की इच्छा कर रहे हैं कि हम 5 पेड़ तो लगा ही सकें। और ये देखिए हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं और हमारे ग्रुप के सभी सदस्य हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। ये देखिए काम चालू है। अब मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ बगिया वाले हनुमान जी, जो कि बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ, पहले कभी नहीं आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के दर्शन करके। ये देखिए सभी दर्शन कर सकते हैं। हमारे बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा सूखा ग्रस्त पाया गया है हमेशा ही, और होता है, और इस साल भी मतलब देर से बारिश हुई है, और हम लोगों ने सोच रखा है कि हम थोड़े बहुत अगर कर सकते हैं कुछ भी अपनी कर्म भूमि के लिए। ग्रुप का नाम मेरा जो है वो कर्म भूमि है, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारे जो साथी हैं सारे ग्रुप के, वो सब मिलकर इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। आज पहली बार हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। यहाँ बगिया वाले हनुमान जी के नाम से ये विख्यात है, और बगिया के हनुमान जी का मतलब हुआ यहाँ पे पहले भी बगिया रही होगी। तो आज हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा कुछ तो ना कर पाएं, भगवान की आज्ञा के अनुसार थोड़ा बहुत 2-4-5 पेड़ भी अगर हम लोग लगा सकते हैं, कभी भविष्य में हम लोग आएंगे या जो लोग भी यहाँ पर आएँ तो उनको कुछ छाया, वैसे तो काफ़ी छाया है यहाँ पर, लेकिन छाया और हरा भरा दिखाई दे, और ईश्वर की फिर आगे जो भी मर्जी होगी उसके लिए जाए। और हम इस तरह का अभियान निरंतर करेंगे क्या, हर साल ऐसा कुछ है? हर साल बारिश में हम लोग ये करते रहेंगे, लोकेशन देखते हुए जहाँ जरूरत है, मंदिरों के पास में सार्वजनिक स्थल जहाँ भी होंगे वहाँ पे करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ पर सुरक्षा है। अकेला हमारा ये उद्देश्य नहीं होगा कि हमने सिर्फ पेड़ लगा दिए, बस फुटेज हो गई और उसके बाद में ये सारा काम खत्म हो गया, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये पेड़ पौधों की रक्षा भी हो, आगे भविष्य में ये छाया भी दे, फल भी दे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य। हाँ जी, यही हमारा उद्देश्य है। और हम लोग जब पेड़ लगाते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि वहाँ सुरक्षा पेड़ों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और या तो हम वहाँ पर कांटों वाली जालियाँ लगा देते हैं। आगे चल के हम कुछ और भी प्लान करने वाले हैं पेड़ों की सुरक्षा के लिए। ये देखिए अब अनार का पेड़ लगाया है सभी ने, और खाद भी डल रहा है, गोबर का खाद है ये खाद। गोबर का काम है, मुन्नी मुन्नी नहीं, गाय का नाम है, गाय का नाम है मुन्नी, और वो रोज रोटी खिलाता है मुन्नी को, इसलिए वो पूछ रहा है। मैं मुन्नी की बहुत सेवा करता हूँ, पता नहीं पता है भैया, बहुत सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ करते हैं गाय। अरे मनोज सर, ये यहाँ पर लगा रहे हैं, कौन सा पेड़ लगाया सहजन का, जो कि इस पेड़ में इसका जो पेड़ बनेगा इसमें जो फली होती है इसकी सब्जी बनती है, और वो सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन होता है, बहुत फायदेमंद होती है, बहुत फायदेमंद होता है, और आजकल एमपी गवर्नमेंट के द्वारा हर आंगनबाड़ी में भी ये लगाया जा रहा है और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि इसकी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें सब्जी में, जिसकी वजह से उनके अंदर जो आयरन की कमी है, और ऑलमोस्ट 80% महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिस वजह से उनकी ये पूर्ति हो, और ये काफी मददगार भी साबित हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको लगाने के लिए हाल फिलहाल कर दिया है, लगा दिया कांटे लगा दिए हैं, और एक डंडा भी लगाया है सहारे के लिए इसको, क्योंकि ये बहुत पतला होता है पेड़। हाँ इसी तरह से बहुत अच्छे से हमारी टीम जो है, हमारा जो ग्रुप है, इतने अच्छे से काम करता है। हमने जितने मंदिर पे भी लगाए हैं ये पेड़ बहुत ही सुरक्षित हैं अभी तक, हम लोग फोटो भी खींचते हैं और फिर डालते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए 2 पत्ती आ गई 4 पत्ती आ गई, मतलब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर अभी हम 35 समथिंग पेड़ लाए थे, अगर 35 पेड़ में से 20 पेड़ भी लग जाते हैं या 15 पेड़ भी लग जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आशीष हमारे पंडित जी,
ये देखिए मोबाइल पर चिपके हुए हैं। बेटा किससे बात कर रहे हो? अच्छा आशीष, आशीष से बात कर रहे हैं जी, हमारा छोटा भाई। और इसका मैं नाम भूल गई बेटा, तन्मय। तन्मय बहुत अच्छा बच्चा है। और ये देखिए झगड़े तोड़ रहे हैं कांटों के, जिससे हम वहाँ लगा सकें पेड़ों को। नेचुरल जगह है कि इसकी तो आप कितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। और यहाँ से इतना बढ़िया व्यू दिखता है हमारी नदी बेतवा का और छतरियां है उनका। और यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है आपका चरा घाट से सीधा मेन जो सड़क बनी हुई है उसको पकड़ कर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी है, बहुत सुंदर झरना है। बगल में रामायण भवन भी बना हुआ है, एक छोटा सा मंदिर का ये गार्डन बना हुआ है। और इसी गार्डन में हम लोग, हाँ इसी गार्डन में हम अपना पेड़ अभियान है कि हम कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकें। बिल्कुल। और जिससे हम चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है हम लोग पूरा कर रहे हैं अपने ग्रुप का पौधारोपण का प्रोग्राम, उसको उत्तर प्रगति हो सके और आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही हम करने वाले हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर जगह है। और मैं बिल्कुल सच बोलने वाली हूँ, झूठ तो मुझे बोलना पसंद ही नहीं है ना मैं बोलती हूँ। यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंडों ने बोला था कि हम लोग एक दिन चलेंगे यहाँ पर, लेकिन किसी कारण से शायद लॉकडाउन लग गया फिर हम आ नहीं पाए। लेकिन आज मुझे इस जगह पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जिस झरने की हमने बात की है वो ये कि झरना है, बस बारिश कम होने की वजह से पानी पर्याप्त नहीं है। संडे का दिन है और अपना आधा संडे मंदिरों पर बिता दिया है। और अभी हम आए हैं एक दूसरे मंदिर, जो कि मैं पहली बार आई हूँ इस मंदिर पर। तो यहाँ पर भी हम अपना जो पेड़ अभियान हमारा चल रहा है हमारे ग्रुप का, कर्मभूमि ग्रुप का, और हम चाह रहे हैं कि मंदिर में पेड़ लगाने से क्या होगा, वहाँ पर कोई ना कोई रहता है तो सुरक्षा रहेगी हमारे पेड़ों की। पहले कभी नहीं आई हूँ मैं इस जगह पर। आज मैं जितनी भी जगह गई हूँ वहाँ पहली बार ही गई हूँ। महाराज जी जयराम जी की। संतोष भैया बताइए हमें इस जगह के बारे में। ये मुगल के हनुमान जी हैं, इसके बारे में और तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ कभी केशव यहाँ पर बैठकर जो स्थान बना हुआ है वहाँ पर कभी केशव बैठकर अपनी रचनाएं इतना सुंदरता रहती थी, इतनी सुंदरता यहाँ पर थी कि वो प्रकृति का वर्णन यहाँ पर बैठ के ही करते थे। अपनी जितनी भी रचनाएं वो यहाँ बैठकर हैं, जो तक उन्होंने उड़ीसा में रहकर की हैं उसी स्थान पर बैठ के उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। जी जिस जगह की बात कर रहे हैं ये ऊंचाई पर वो जगह है। और हाँ बेटा वो वहीं रखकर आए हैं, आप उठा के लाओ। ये देखिए हमारे पेड़ अभियान जो चल रहा है, हमारा ग्रुप है जो कर्मभूमि ग्रुप, उसमें सभी सहयोगी भाग ले रहे हैं। और हम ऑलरेडी दो मंदिर पर आज ही पेड़ लगा चुके हैं। ये हमारी तीसरी जगह है, हाथी बाबा और वहाँ पर बगिया वाले हनुमान जी पर लगा चुके हैं। कितनी खूबसूरत जगह है। ओरछा में ऐसी जगहें हैं काफी जहाँ मैं गई नहीं हूँ, पहली बार यहाँ आ रही हूँ। आज का दिन बन गया मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने ये कौन सा पौधा लगाया भैया?
कटहल का पौधा लगाया है। तो हमने एक कटहल का पौधा लगा दिया है, दूसरा लगाने वाले हैं सीताफल का। और ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कितने पौधे लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ओरछा पूरा हरा भरा हो जाए सारा। ये देखिए हमारे साथी सारे काम पर लगे हैं, मैं ही वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ सुंदर सुंदर जगह आज। ये कटहल का पौधा हमने लगा दिया है और दूसरा पौधा लगाने वाले हैं। थोड़ा सा और डालना ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बारिश हो जाएगी। क्या ये उसमें बैग में रखना, फेंकना नहीं कचरा। सामो 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 भैया भैया का बैग खाली रखने, इसमें रख दो, इसमें डाल दो। क्यों सामो? ये अंकल से लाए थे ना, उनसे कह देना कि ये खाली। सामो कचरा फेंकते नहीं है, हवा डीजल नहीं। क्यों क्यों नहीं फेंकते बताओ ना? क्या सड़क गंदी हो जाती है? और गाय खा लेती है फिर क्या हो जाता? हाँ, तो जो प्लास्टिक होता है वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ खाया है तो बैग में। चलो 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 चलो, काम नहीं कर रहा। ये देखो बच्चे हमारे, ये इस जमाने के बच्चे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं मम्मी के साथ, यही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे यही बच्चे इन पेड़ों की रखवाली करेंगे। क्यों बेटा आओगे यहाँ देखने दोस्तों के साथ? रतन पेड़ों की सुरक्षा करने देखने आना पड़ेगा। ये हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य हैं ना, बस एक ही चीज पे अटक गए हैं। क्या? खाने पीने के। क्या है इसमें? सबसे ज्यादा पंडित हैं। और यादव जी, राजपूत जी, मतलब हैं तो सभी, लेकिन पंडित ज्यादा है ना, तो बस समझते हैं सभी लोग पंडित तो बस खाने के लिए। सच बोलूं तो पंडित तो मैं भी हूँ। और ये खाद बच जाए ना तो ले चलना इसको, फिर और जगह काम आ जाएगा। दुबई जी, जय राम जी की। ये मेरे हस्बैंड, तो ये देखो खाने पीने की बातें चल रही है। चलिए अब मैं मंदिर के दर्शन कराती हूँ। अच्छा लग रहा है छतिया।